इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच क्या डिफरेंस होता है और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का क्या काम होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और अगर एक वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्यूटर में मेनली टू पार्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक ग्रुप है जो किसी खास काम को करने के लिए बनाए जाते हैं, जो ऐसी लैंग्वेज में होता है जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट। आमतौर पर सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जिसे दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद मिल सके। ये यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट देता है जिसे यूजर सिस्टम को आसानी से चला सकता है। ये सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम है जिन्हें कंप्यूटर खुद से मैनेज करता है। ये सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं और हार्डवेयर को यूज करके मैनेज करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इन सॉफ्टवेयर का काम कंप्यूटर में फाइल, मेमोरी, हार्डवेयर को मैनेज करना है, दूसरे रिसोर्सेस प्रोवाइड करना होता है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के सिस्टम में कोई भी काम नहीं हो सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक और एंड्रॉयड। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर पर रन होते हैं। इन्हें किसी एक तरीके के टास्क को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। कंप्यूटर बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के चल सकता है, लेकिन बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर को वो नहीं चल सकता है। कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं जब तक आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो। फिर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इम्पॉर्टेंट होते हैं। यह यूजर को टास्क पूरा करने में मदद करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल हैं क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पीएल एसक्यूएल, वीएलसी, फोटोशॉप इत्यादि। कंप्यूटर का सेकेंड पार्ट है हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर का वो दूसरा हिस्सा है जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। ये कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट्स है और इस कंपोनेंट्स में सर्किट बोर्ड, आईसी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। हार्डवेयर के कुछ एग्जांपल्स हैं मदरबोर्ड। ये हार्डवेयर कंप्यूटर का मेन पार्ट्स होता है। इसे देखने के लिए आपको कंप्यूटर को खोलना पड़ेगा। ये एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं जिसे बोर्ड पकड़ के रखता है। और वो सारे कंपोनेंट्स जैसे प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, एसएमपीएस, ग्राफिक्स कार्ड, लैंड कार्ड। हार्डवेयर के कुछ और भी एग्जांपल हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर, डीवीडी ड्राइवर, हार्ड ड्राइव इत्यादि। दोस्तों अगर मैं सिंपल शब्दों में आप लोगों को समझाऊं तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या डिफरेंस है। सॉफ्टवेयर वो होता है जो आप अपने कंप्यूटर में सिर्फ देख सकते हैं, अब आप उसमें प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे डिस्प्ले पर टाइपिंग मास्टर 10, वीएलसी, ये सारे जो आप देख रहे हैं ये मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जैसा कि आप मेरे लैपटॉप में देख सकते हैं अभी फिलहाल मेरे विंडोज 10 मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल है। तो ये जो विंडोज है आपका ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर जिस पर आप छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप रन कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आप सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये सबसे मेन डिफरेंस होता है। और हार्डवेयर की बात करें तो आपका जो लैपटॉप का कीबोर्ड है उसे आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, और स्पीकर उसे आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो यही कुछ डिफरेंस है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।